कान्हा की बांसुरी के दीवाने पंडित अजय प्रसन्ना, पिता पंडित भोलानाथ से ही इन्होंने बांसुरी की तालीम ली। खास बात यह है कि इनके पिता ने ही शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुषों में से एक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को बांसुरी बजाना सिखाया। महज 6 साल की उम्र में इलाहाबाद अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में प्रस्तुति कर अजय प्रसन्ना श्रोताओं के दिलों में उतर गए और तब से सिलसिला अनवरत जारी है। चार बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके अजय प्रसन्ना नए प्रयोगों के पुरोधा हैं। बहुत ही खूबसूरत, आपका हमारे शो में स्वागत है अजय जी। सबसे पहले तो अजय मैं ये जानना चाहूँगी, आप संगीत से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है संगीत से जुड़ी बातें होंगी, लेकिन थोड़े वो लम्हों को मैं छूना चाहूँगी जो अनछुए हैं, जैसे कि जितने शाय आप अभी हैं क्या बचपन में भी ऐसे ही थे? शर्मिला, तो मैं अभी कैमरे के सामने लग रहा हूँ वैसे तो बहुत नटखट हूँ मैं और बचपन से बहुत शैतान था मैं। अच्छा। हाँ, मतलब 3 साल की उम्र में मैं इतनी हाइट पे मैं तकियों की जुगत लगा के चढ़ जाता था और पिताजी को सुनता था, दूसरी तरफ वो रियाज़ करते होते थे, तो सारा कुछ यही था कि मैं रियाज़ कर वहाँ पे सुन सुन के रियाज़ करने बांसुरी पकड़ ली मैंने 3 साल की उम्र में, अपने आप ही उठा के फूकने लगा, फिर सुन सुन के मतलब ऐसा गायब हो जाता था वहाँ पे कि लोग ढूंढते थे कि मैं हूँ कहाँ, मेरी माँ भी मुझे ढूंढती थी, तो वो शैतानियाँ चलती थी। कभी बांसुरी 24 घंटे मेरे हाथ में रहती थी, पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो बांसुरी मेरे पास छोटी है और रियाज कर रहा हूँ तो मेरी माँ बस कर रहा हूँ अब कितना कान पे बजाओगे, तो जबरदस्ती बजाता रहता था मैं तो कान्हा की तरह ही नटखट थे आप जी, कोशिश हुई थी। कौन से स्कूल जाया करते थे आप और कैसा लगता था दोस्तों के बीच आपको? मैंने संस्कृत स्कूल से पहले पढ़ाई करी, फिर उसके बाद दूसरे कॉलेज में गया मैं और KP कॉलेज था, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की जी। तो स्कूल में भी बहुत पॉपुलर होंगे? ये तो था, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट बांसुरी एक ऐसा है साज कि वो हर जगह मतलब कुछ भी बजाऊँ तो पूरे स्कूल में पूरे कॉलेज में हर जगह फेमस हो जाता था मैं, और कुछ भी जैसे कि अप्लाई टंग बजाना है, क्लासिकल बजाना है, कुछ भी बजाना, तो मैं बड़ा सब जानते थे यही बच्चा है, ये बांसुरी वाला है, नाम से लोग नहीं जानते बांसुरी वाला तो इसलिए आपने कान्हा का इंस्ट्रूमेंट भी लिया, कान्हा की तरह नटखट भी रहे आप और कान्हा की तरह आप पॉपुलर भी हुए जी। तो जब आप कॉलेज में आए जी, फैन फॉलोइंग बहुत होती होगी? जी होती थी और होता यह था कि कुछ किसी में कम मार्क्स होते थे तो सर ने अच्छा वो बांसुरी वाले का है बढ़ा दो, थोड़ा नंबर बढ़ा दो। अच्छा, नंबर बढ़ जाते थे थोड़े, उसका भी फायदा मिला मुझे, तो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते जी, हैं जी जी संगीत के लिए। वैसे तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन आप किसके फैन हैं? शुरू से मैं अपने पिताजी का फैन रहा। अच्छा। और उनको ही देख के, उनको ही सीख के मैं बड़ा हुआ, आज मैं हर किसी को जो अच्छा कर रहा है वो मेरा फैन है, मैं उसका फैन हूँ। अच्छा। मैं उसका फैन हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि कितना क्या नया कर रहे हैं, चाहे वो मेरा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का हो या संगीत में कुछ भी किसी भी पहलू पे, चाहे वो वेस्टर्न हो, इवन वेस्टर्न भी हो, क्लासिकल से लेकर वेस्टर्न तक, मैं हर किसी को सुनता हूँ और अच्छा जो भी कुछ उनका नया आता है मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, तो हर कोई मेरे लिए मतलब मैं उनका। वैसे तो संगीत के माहौल में ही आपकी आँखें खुली हैं, लेकिन वो क्षण वो लम्हा कब आया जब आपको लगा कि नहीं अब संगीत ही आपका जीवन है? एक्चुअली मैंने सच बताऊँ तो जब
छोटेपन में ही मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। 6 साल की उम्र में मैंने पहला प्रोग्राम किया, पदक भी जीता। जी, पदक भी जीता और ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे उसमें। तो वो होने के बाद मुझे लगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा है जो लोग मुझे इतना गोद में उठा रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, और वो कुछ नयापन है, क्योंकि उस टाइम तो तारीफ़ के बारे में मालूम नहीं था कि होता क्या है। तो बालपन में वो समझ पे भी नहीं आता होगा कि करना क्या है, बस करना क्या। पिताजी ने शायद कहा कि ये करना है तो कर लिया ऐसा। सब बस बांसुरी उठाई और बांसुरी पॉकेट में बांसुरी रहती थी, चाहे कहीं भी खेलने भी जाऊँ कहीं भी जाऊँ। अच्छा। हाँ, एक छोटी सी बांसुरी मेरे पास रहती थी। अभी भी मैं कहीं, जैसे कहीं दर्शन भी करने जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो एक बांसुरी रहती है। और कोने में सर मना करते, मैंने कहा भगवान को मना कर रहे हो आप, भगवान की बांसुरी को मना कर रहे हो, फिर बजा दे। नहीं नहीं सर बजाओ आप, फिर बजाना मंदिर में कहीं भी, मस्जिद में कहीं भी। बहुत ही सुंदर। तो 6 साल में की उम्र में जब आपने ये प्रस्तुति दी, उसके बाद आप पूरी तरह से इसकी साधना में लीन हुए? साधना में लीन हुए, बहुत प्रैक्टिस करी, अभी भी कर रहा हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो ख़त्म होती नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ज़्यादा निखरता है। तो वो कौन सा राग था जो पहली बार आपने उस दिन बजाया था? मेरा बहुत बचपन का फेवरेट राग था, छोटी बांसुरी में बजाता था मैं, बागेश्वरी। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बजा के बताता प्लीज। जो आपने ये राग बजाया और अभी आप बजा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अरे पहले मैं कैसे बजाता था, वो उतना अच्छा नहीं था, अब सधा हुआ था, ऐसा कभी फील ऐसा होता है? ऐसा होता है, उस टाइम बचपना था, नटखटपन था और किसी चीज़ को सीरियसली लेना नहीं था, तो रागों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। थोड़ी बहुत अभी थोड़ी बहुत आई है, तो कैसे किस राग को कैसे बरतना चाहिए वो तो जो सुना और जो सीखा वो मतलब खटाखट खटाखट उस टाइम याद करके बजाना होता था। हाँ। अभी दिल से आता है। वैसे तो पिताजी के आप शागिर्द भी रहे, बहुत कुछ सीखा आपने उनसे, लेकिन वो खास टेक्निक जो पिताजी ने कहा बेटा इसे साध लो, उनका तो एक गुरु मंत्र जो मैं अभी अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ कि बांसुरी बजे तो शेर की तरह बजे। अब सपोज यहाँ माइक नहीं है, माइक पे तो कुछ भी आप कोई भी बजा लेगा, वॉल्यूम बढ़ा देना भैया आप कह दोगे, थोड़ा गेन बढ़ाना तो वो निकल आएगा साउंड। अब बाई चांस नहीं है, कहीं बैठकी में आप बैठे हुए हैं और आपको माइक नहीं है, फिर कैसे बजाओगे? तबला अगर साथ में है तो तबला का तो लाउड बजेगा, फिर बांसुरी तो आपकी दब जाएगी, फिर वहाँ कैसे साउंड आएगी? तो वो शेर की तरह बजाना है, पूरा साउंड आनी चाहिए। अब जैसे दोनों में फ़र्क है, वो साउंड चाहिए, वो आपने अगर रियाज नहीं किया है तो वो आएगा नहीं, क्योंकि जो लाउड बजाने के लिए जो शेर की तरफ बजाना है तो वो यहाँ से आएगा, नहीं तो सब कुछ यहीं से आएगा, उसमें ज़्यादा ताकत लगती है। तो इतनी जो पूरा सांस का ही काम है बांसुरी बजाना, तो उसके लिए कुछ खास आपको अपनी बॉडी के लिए भी करना पड़ता है ताकि सांसें अच्छे से चलें इसमें? एक्चुअली बॉडी आप मेंटेन करके रखना पड़ता है, अगर आप मोटे हो गए या हेल्दी हो गए, पेट बाहर आ गया तो सांस फूलने लगती है, तो वो आपने बजाया बार बार सांस ले रहे हैं। हाँ। लंबा जाएगा। तो इतना साधा कैसे आपने? आप अपने लिए क्या मेहनत करते हैं? मैंने अपने हिसाब से सोच के मैंने सोचा कि सांस लंबी करनी है तो कैसे करनी है, तो सांस रोक ली। अच्छा। आज कई बाबा जी लोग बताते हैं कि ऐसे सांस रोकना है और प्राणायाम करना है, तो ये मैं बचपन में मैंने सोचा सांस रोक के सांस लंबी करी जाए,
कितनी देर रोक सकता हूँ, जैसे स्विमिंग में भी सिखाते हैं कि हाँ, जब आप पानी के अंदर हो जितनी देर रोक सको रोक के रखो तो वही कि कितनी देर रोक सकता हूँ, फिर उसके बाद सांस लेना है। तो वो टाइम देखता था कितनी बार इस टाइम में मैंने कितनी देर रोका, फिर नेक्स्ट टाइम में कितनी देर रोक सकता हूँ, तो वो धीरे 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 बढ़ता गया। फिर योगा या आसन इनका सहारा भी। जी, तो आप योगा करते हैं, आसन लगाते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि टाइम नहीं मिलता, करता हूँ वैसे, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि हमारी साधना ही सब कुछ है, सुबह उठ के मेन यही रहता है। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को अपने लेटेस्ट एल्बम के बारे में बताएं, इसमें क्या नया लेकर आए हैं आप? जी, मेरा एल्बम अभी अचीव कंपनी से आया हुआ है, द प्रिल्यूड सोल ऐसे करके है, और उसमें चार मैंने कट बजाए हुए हैं, राग ललित सुबह का और एक चारुकेसी और सिंध भैरवी में बजाया, एक बनारसी धुन बजाया, चार कट मेरे अभी नए एल्बम में हफ्ते पहले रिलीज हुआ है। तो इसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आपने? नया है उसमें कुछ थोड़ा सा सुकून वाला है। अच्छा। मेडिटेशन के लिए, क्योंकि हर आदमी आज की दौड़ में भाग रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सुकून सा दिया जाए, क्योंकि हर आदमी तैयारी में लगा हुआ है कि कुछ शोर शराबा दे दे, शोर शराबा नहीं, शांति का सुकून का। जब आप सबसे खुश होते हैं, बिल्कुल मन प्रफुल्लित है जी, तो कौन सा बजाना चाहते हैं, कौन सा राग आपको पसंदीदा है? ऐसे तो सारे राग मेरे पसंदीदा हैं, और खुश तो मैं हमेशा ही रहता हूँ तो कुछ भी ऐसे टाइम है, अब कुछ भी है, सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भैरवी बजाऊँ। अच्छा। क्योंकि भैरवी बांसुरी के लिए मुश्किल है। अच्छा। हाँ, कैन वी हियर? या श्योर जी। और जब मन थोड़ा उदास होता है तो क्या बजाने का मन करता है? मन उदास होता है तो मैं सिर्फ सा का रियाज करता हूँ कि स्वर साध लूँ, मन उदास है। एक स्वर में हम डूब जाते हैं कि भाई जिस सारी चीज़ें भूल जाओ कि क्या क्यों उदास हूँ मैं, क्या है, सब कुछ भूल के स्वर साधना करेंगे तो ध्यान तानपुरे की तरफ रहेगा और बांसुरी की तरफ रहेगा, एक स्वर साधो। तो ऐसा होता होगा ना कि आपकी राग से आपके घर वाले पहचानते होंगे कि आज मूड कैसा है ऐसा होता है? नहीं, गुस्से में रहता हूँ तो फिर ऐसा नहीं कि गुस्से वाला राग बजाता हूँ गुस्से कि आज गुस्से में है, जरा पास में कोई ना जाए, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, मूड में रहता हूँ, बस संगीत में रहता हूँ। आपने संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए हैं, फ्यूजन के साथ इसको जोड़ा है, हालांकि कुछ लोग इसको अच्छा नहीं भी मानते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी राय इसे लेकर क्या है? सिंपल सी बात है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें, हमारा संगीत क्यों ना आगे बढ़े। अब पहले हम कलकत्ते में चले जाइए, हाथ गाड़ी होती थी जिसपे हाथ बंदा खुद चला रहा है और उस पर बैठ के चला रहा है, आप सोचिए कैसा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड होते होते आज मेट्रो पर हम आ गए, कल हम बुलेट ट्रेन पे आ जाएंगे, तो वो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा संगीत है जो हमारा धरोहर है और हमने उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करी, सिर्फ हम तो अपनी जगह पे ठीक हैं, फूल पत्ती डाल दी और डेकोरेशन कर दिया, तो ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़। हाँ, वो छेड़छाड़ नहीं है, वो उसके अंदर कुछ सिर्फ डेकोर करने के लिए हमने कुछ उसके अंदर मिलावट कर दी, तो वो सुंदरता बढ़ जाती है। अब जैसे कि हमने कीबोर्ड डाल दिया, अब कीबोर्ड की साउंड लग रहा है कि हमारा कुछ कहीं हम स्पेस में चले गए, बांसुरी बज रही है वही राग वही बज रहा है, लेकिन साउंड से लग रहा है कि हम कहीं दूसरी दुनिया में चले गए, स्पेस में हैं। या फिर एक अब यंग जनरेशन है, उनको चाहिए आज की देर पॉप, अब पॉप चाहिए तो हमें, हम क्लासिकल वाले क्या करें, हमारा प्योर क्लासिकल। तो इससे हम ये माने कि हमारे श्रोताओं में भी तब्दीली हुई है 100%। पहले के टाइम में पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन कार्यक्रम होता था हमारा क्लासिकल का, अब नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने भी रात के 10 बजे तक ही कर दिया कि भाई ऑडी 10 बजे तक ही रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेगा, तो कहाँ से होगा। तो अब आप ये देखिए, आप उसमें हम कितनी देर तक क्लासिकल करेंगे, एक आर्टिस्ट, तीन आर्टिस्ट हैं, तीन आर्टिस्ट को बोला कि 45 मिनट बजाइए,
और 45 मिनट्स में सारा कुछ दिखाना है, तो वो कार्यक्रम का टाइम कम हो गया। और उसके बाद अब यंग जनरेशन है, अब उनको हमने कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, डीपली अलाप सुनना नहीं चाहते, अरे क्या हो गया, तो उसके साथ थोड़ा हमने ड्रम डाल दिया, थोड़ा उनके हिसाब से डाल दिया। बाबू वो आजकल बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं तो ये थोड़ा एडिशन है, एडिशन है, नथिंग, मतलब वो बुरा नहीं है। और जहाँ हमारा प्योर क्लासिकल होता है वो प्योर क्लासिकल है, यंग जनरेशन होते ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आराम से बजाते हैं, दो दो ढाई घंटे बजाते हैं हम लोग जी। आपके पिता पंडित भोलानाथ जी से ही पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने भी शिक्षा ली है, तो उनसे जुड़ी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे अभी? सबसे पहले तो वो जब वो सीखते थे तब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब भी उनका कोई कार्यक्रम इलाहाबाद में या बनारस में या लखनऊ में या कानपुर में, इलाहाबाद के आसपास किसी भी शहर में होता था, वो जरूर इलाहाबाद आके पिताजी के दर्शन करके जाते थे। और पिताजी ऐसे बोले कि मतलब कि हरि हरि करके बोलते थे, कि तुरंत वो बांसुरी बना देते थे। अब जैसे हरि भैया आए तो तुरंत बांसुरी बना के, बेटा ये शाम को बजाना। अच्छा, लेकिन वो उनकी गुरु भक्ति देखी, वो शाम को उस बांसुरी को बजाते थे। यहाँ तक कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार जब तक हम इसके अंदर पूरा रियाज ना कर लें, पूरी हाथ चल ना जाए, बैठ ना जाए, तब तक हम इसको बांसुरी को छोड़ेंगे नहीं, तब हम रियाज, तब हम क्योंकि परफॉर्म नया है, कुछ नया है। लेकिन वो उसी दिन शाम को बजाते थे वो बांसुरी, उनकी गुरु भक्ति ये कहेंगे। तो फिर उसके बाद जब मैं पैदा हुआ वो आते थे, तो फिर उनको मैं यही देखता था कि पिताजी नए नए राग उनको सिखा रहे हैं, तो मैं कितने मतलब कि गुरु भक्ति इसको बोलते हैं, कि लोग आए हुए हैं, पता चल गया कि हरि भी आए हुए हैं, मीडिया भी आ गई, सब लोग आ गए, लेकिन वो खुद प्लेट उठा के खुद किचन में रखना, खुद जाके मतलब किचन में से माता जी जब खाना बना रही हैं तो वहाँ से कुछ खुद ही उठा लेना, मतलब खुद, मतलब मैंने ये भी सुना आप बता रहे थे किसी इंटरव्यू के दौरान कि आपकी माँ बेलन से उनका पीछा किया करती थी। अरे वो किस्सा अलग था, जब पिताजी ने उनको दो तीन शागिर्द थे उस टाइम, तो वो रियाज करने के लिए, भाई ये रियाज करो मैं अभी ऑफिस से आता हूँ, अच्छा आकाशवाणी में जॉब, तो वो तब तक वो जैसे ही वो जाते थे ये सब फिल्मों की बातें शुरू कर देते थे, तो फिर जो बताया वो बताओ नहीं तो पड़ेगी अभी, तो फिर वो सर फिर रियाज करते थे। बट इतनी बड़ी हस्ती आज, इतनी बड़ी आज देखिए कहाँ जी। और फिल्मों में आपने काफ़ी संगीत दिया है, तो कोई नया प्रोजेक्ट जो आपके सामने है, और दम मारो दम के अलावा तमाम और फिल्में हैं, मैं चाहूँगी दर्शक को आप स्वयं बताएं उन फिल्मों के बारे में, कैसा अनुभव रहा और आगे क्या कर रहे हैं? फिल्मों में बजाना एक अलग अनुभव है, वो अलग दुनिया है, और वो वहाँ पर बजाना कोई आसान बात नहीं है। लाइट म्यूज़िक लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, आसान कहीं से भी नहीं है, बहुत मुश्किल है उसमें सारा। एक हम लोग क्लासिकल क्या है कि हमारा फिक्स नहीं है कि हम इस सुर के बाद हम दूसरा सुर क्या लगाएंगे, वो एवरी टाइम राग अलग तरह से बजेगा, लेकिन वहाँ वो फिक्स है। अच्छा, ड्यूरेशन आपके फिक्स है कि 30 सेकंड में आपको इतना इतना बजा के हट जाना है, 30 सेकंड में, वो 30 सेकंड में आपको निकालना है, वो मुश्किल काम है। वो कॉर्ड्स जा रहे हैं, कॉर्ड्स के हिसाब से बजाना है, अब पता चला कॉर्ड्स हमारे कुछ और जा रहे हैं, बैकग्राउंड कुछ और जा रहा है, हम नोट्स कुछ और लगा रहे हैं, तो मुश्किल काम है। तो वो एक्सपीरियंस मतलब अच्छा रहा, जब भी मैं बॉम्बे जाके बजाया। उनमें से कोई धुन फिल्मों के कोई धुन जो अभी आप सारी बांसुरी यहाँ पर है, दर्शक भी सोचते होंगे कि ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं? बांसुरी देखिए हर सुर की अलग अलग सुर की बांसुरी होती है, और आप जैसे कह लीजिए कि एक स्कूल में सारे क्लास के बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक, तो वो जैसे जैसे वो बड़े हैं वैसे हमारी बांसुरी भी स्वर चेंज होता है, तो वैसे बांसुरी का स्वर चेंज होता है। अच्छा। छोटी बांसुरी अलग स्वर की, उससे थोड़ी बड़ी उससे अलग स्वर की, तो सारे स्वर की आती है, तो वही हैं सारी बांसुरी। और ये जो छोटी बांसुरी है ये तो पेंसिल के साइज की लगती है, पेंसिल जितनी, पेंसिल से भी छोटी है। और इसको जरा आप, इसको इसमें हम क्लासिकल नहीं बजाते, हम इसमें कुछ और ही बजाते हैं, अ
अमेजिंग तो ये है छोटी, ये तो किसी फिल्मी धुन की तरह था, फिल्मी है, उसमें उसमें यूज होता। तो ये सारी बांसुरी आपके पिताजी ने बनाई है? सब उनकी बनी हुई है, सब उनकी बनी हुई है। हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी उनकी इतनी बजाई कि ये बांसुरी जैसे ये ई की है तो यहाँ पे उन्होंने इतना रियाज किया कि ये यहाँ पे एक घिस गया, मतलब कि एक क्या बोलेंगे उसको, गड्ढा सा हो गया, इतना उन्होंने बजाया। बाद में जब पिताजी नहीं रहे थे उन्होंने फिर बांसुरी चेंज करी। आपके पिताजी तो काफ़ी लंबी उम्र तक बजाते रहे। हाँ, एंड तक बजाते रहे, एंड तक बजाते रहे, और यहाँ तक कि उनको इतना शौक़ संगीत का कि हॉस्पिटल में थे वहाँ कोई उनसे मिलने भी आ रहा है तो वहाँ भी उनको रागदारी सिखा रहे हैं कि बेटा ये सीखो, ये देखो नया राग है, ये वो, ये राग में ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा, मतलब हॉस्पिटल में बेड पे भी। आप तो मिस करते होंगे उनके। अरे बहुत बहुत बहुत, रोता हूँ बहुत कभी कभी जी। तो कहीं कभी अटकते हैं तो लगता है आज पिताजी होते तो ये सिखा देते। एवरी टाइम लगता है कि कुछ कुछ नया मैंने बहुत कम सीखा क्योंकि मैं इलाहाबाद छोड़ के यहाँ आ गया, जितना सीखा उतना ही बजा पा रहा हूँ, हो सकता और ज़्यादा बजाता, हो सकता और ज़्यादा सीखता उनके साथ रहता तो, और ज़्यादा रहते साथ में, तो वो मिस करता हूँ। और जाते जाते अजय जी, अपने लेटेस्ट एल्बम से अगर आप कुछ पेश करें हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत सुरीला इंटरव्यू था ये, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपकी संगीतमय यात्रा यूं ही चलती रहे, आप और तरक्की करें यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और हमारे शो अमृत रसवादन को लाइक करें, हमारे चैनल नेशनल खबर को लाइक करें और यूँ ही देखते रहें।